केवन पीटरसन जो कि बैकबोन है कोई ग्लाडिएटर की इस टाइम पर क्योंकि ही ही इन इन द द विनिंग विनिंग टीम वो वो माजरत कर लेते हैं हैं कहते आई एम सॉरी आई के नॉट कम टू पाकिस्तान आई एम गोइंग बैक टू क्योंकि आई I मीन mean, मैं नहीं बात करना चाहती लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि लाहौर में पीएसएल का फाइनल कराना पागलपन है तो ऑफ ऑफकोर्स मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो लिहाजा मैं तो पाकिस्तान नहीं आ रहा सर खान साहब ऐसी हरकतें क्यों करते हैं और मतलब अब अगर केवन पीटरसन नहीं आ रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं होंगे होंगे क्योंकि अच्छा ट्वीट भी आ गया पहले आप इसके ऊपर कर लें कि इमरान खान साहब के इस बयान से कितना डैमेज हो गया देखिए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करते हैं डैमेज ऑलरेडी हो चुका पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी नहीं है फाइनल कराना बहुत अच्छा आइडिया पीसीबी का बहुत अच्छा एंडेवर लेकिन अगर सारे प्लेयर्स लोकल हुए फर्ज कीजिए तो ये तो कायदे आजम ट्रॉफी का मैच हो गया लेकिन लोकल नहीं होंगे ना सर सेठी दर... साहब ने जब ये मामला गर्म हो रहा है कोई दो चार घंटे पहले वो ट्वीट करते हैं इस पूरे मामले को लेकर के और वो कहते हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ी पीएसएल फाइनल में खेलने पर रजामंद है बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि अगर केवन पीटरसन उस विनिंग कॉम्बिनेशन में है तो केवन पीटरसन ही आएगा अब बात सुनिए इंटरनेशनल प्लेयर भी बात सुनिए कि मेरी भी सेठी साहब से इस पर बात हुई कि बी ग्रेड खिलाड़ियों का तो फायदा ही कोई नहीं और ये जो ऑलरेडी खेल रहे हैं पीसीएल इसमें पचासी परसेंट वो है जो या रिटायर्ड है इंक्लूडिंग कैप्टन या शंटेड आउट प्लेयर्स है जो मौजूदा टीमों के अंदर है वो तो इक्का दुक्का है ठीक है और सिर्फ पीटरसन ही राइले रूसो इज प्रोबली नॉट कमिंग अलबत्ता मेरे हमारे एक दोस्त है उन्होंने बताया उन्होंने खाना खाया है दोपहर को विवी रिचर्ड्स के साथ okay. जो कि कोटा के, के मिन्टोर है yeah. खबर ये, uh, अच्छा, ये है कि रिचर्ड्स आ रहे हैं गुड मिनटोर बिग नेम अच्छा अब मसला यह है कि अगर पीसीपी के क्रिटिक्स की अब बात करें चलिए हमारा तो अपना कोई व्यू नहीं तो वो कहेंगे जी लाहौर को बंकर बना के हुँ. एक एक दूर, मील दूर आप गाड़ियां खड़ी करके हुँ. अगर मैच करवाएंगे सिक्योरिटी के नाम पर तो ये कौन सा कमाल हो गया फॉरेन प्लेयर्स ना हुए या बी ग्रेड हुए तो ट्रॉफी का मैच हो गया हुँ. अच्छा फिर वो कहते हैं कि ब्रांड आपने रखे पैसे दिए होंगे रमीज को भी, को भी भी वसीम अकरम तो इन्होंने क्या कमाल किया अगर हालात अच्छे होते तो खिलाड़ी अपने आप हाँ आते इनको तो रखा गया था खिलाड़ियों को कन्विंस करने के लिए अगर कन्विंस ही नहीं किसी को कर पाते और सारा काम सेठी साहब ने करना तो पीसीबी अपना पैसा वगैरह क्यों जाया करती है इन पर फिर इनके क्रिटिक्स ये भी कह सकते हैं और ये होगा आने वाले दिनों में कि जी मैच फिक्सिंग बहुत ज्यादा है क्रिकेट बोर्ड के पास में हो तो वो शायद छुपा ले नाम Uh, लेकिन ब्रिटिश प्रेस uh, जो है नासिर जमशेद वगैरह के

मैंने कहा कि मेरी दुआ है मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ हमारे यहाँ तो ना बसंत होती है ना शादी के फंक्शन दो घंटे हाँ, बंद कर देते हैं इन्होंने सारी छीन ली तो हाउस का जरिया नहीं है पैंतीस हजार आदमी एक करोड़ के शहर में स्टेडियम तो भर जाएगा बड़ी तकलीफों में लोग आएंगे दुआ कीजिए एक दो दिन बाकी है अल्लाह खैर करे कुछ ना हो फाइनल हो अब क्रिटिक्स कौन है अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ इमरान खान मुकम्मल हक रखते हैं अपोजिशन लीडर के तौर पर वो ये बात करें बिल्कुल हक रखते हैं लेकिन सर इंटरनेशनल लेवल पे लीडर भी हैं उनके स्टेटमेंट को सुना जाता चाहते दुनिया भर में तो देखना पड़ता पड़ेगा ट्रंप के क्या साथ, साथ क्या हो रहा है? है दुनिया बदल गई हुई ये तो आपके समझ रहे इमरान खान ट्रंप है नहीं ट्रंप के साथ क्या हो रहा है उसकी ऑपोजिशन नहीं है अमरीका में यूरोपियन यूनियन में नहीं गिव गिव मी मी बिफोर वी गो टू पीजे अब क्रिटिक्स की बात करता हूँ अब आपको ये बात अच्छी लगेगी आप प्राइम मिनिस्टर के साथ दौरे पे आई आइए ना वो तो आई फर्क पड़ता है सुनिए सर जब आप दौरों पर जाते थे तब तो आपको भी कोई ना कोई ऐसे तो कर था, था अब हमारी बारी है सर अब नहीं की अच्छा, बारी है, तो फिर हम अपने काम से ही तो मैं क्रिटिक्स की बात करता हूँ और पीसीबी के हक की बात करता हूँ देखिए अगर तो सेठी साहब ने बड़ी नियत अच्छी नीयत से करवाया तो इनको स्टेट ऑनर्स मिलने चाहिए ये ना हो कल को पता लगेगा पैसा बनाने के लिए हुआ अब, तो अब सिर्फ यूए में सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में भी जीती है निए। निए। आप इसी तरह आमिर सोहेल से पूछे आप चीफ सिलेक्टर भी थे गेम डेवलपमेंट के आप सरबरा भी थे क्या डेवलपमेंट आपने की है अभी तक इसी तरह जकाशरफ साहब से पूछेंगे करोड़ों रुपए आप अपने और अपनी बेगम के गैर मुल्की दौरों पे लगाए हैं आपने अगर तो सेठी साहब ने लगाए हैं तो फिर वो आप जस्टिफिकेशन और अगर सेठी साहब ने नहीं लगाए तो आप फिर किस मुंह से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं बहुत कुछ है दोनों साइडों पे देखिए वकील जो होता उसके है उसके पास दोनों किस्म के आर्गुमेंट होते हैं बहुत बातें है करने वाली और आखिरी बात ईसीओ की आपने बात की सर वो वो अलग टॉपिक है उसको मैं बिल्कुल अलग से लेना चाहती हूँ बेशक वो इसके साथ नथी है नेशनल इशू भी है वो हमारा लेकिन पॉजिटिव वे आई थिंक उसके ऊपर शायद इतनी मैंने दोनों आपको दोनों तस्वीर पीजे मीर साहब मैं बार हार ये कहती हूं जब ये खबर आई इमरान खान साहब ने जब यह अनाउंस किया कि जी ये पागलपन है लाहौर के अंदर फाइनल कराना और अगर खुदा ना खास था कि कोई ब्लास्ट हो जाता है तो अगले दस साल के लिए फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाएगी लेकिन इक्कीस फरवरी को यानी एग्जैक्टली जब वो ये बयान देते हैं उससे तीन या चार दिन पहले वो बाहें खोलते हैं बिल्कुल ये कहते हैं वेलकम करते हैं कि जी होना चाहिए मतलब असल में तो पीएसएल का मकसद ही यही है ये कि उसके मैचेस पाकिस्तान में हो द पॉइंट आई सेइंग इज पॉलिटिकली इमरान खान साहब अगर कोई बात करते हैं तो उन्नीस बीस चलेंजी हम उसको रद्द कर सकते हैं या कुछ बातों को इग्नोर कर सकते हैं कि सो so वॉर ठीक है ऑपोजिशन लीडर है कह दिया लेकिन वेन अ लेजेंड अ लिविंग लेजेंड ऑफ क्रिकेट इज टॉकिंग लाइक दिस तो उसका रिजल्ट यह होता है जो केवन पीटरसन की मैंने आपको एग्जाम्पल दी एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दी चार एग्जाम्पल्स आपको और देखने वाले दे देंगे कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि नहीं आना चाह रहे बिकॉज दे If imran khan is saying this so, sorry we back out number one imran he is in the opposition and it is his opinion responsibility to basically politics khel gaye na no. politics nahi no, no 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 unka, unka unka right hai. Hai. no 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 right. it's mm. his right to speak whatever he wants government ki responsibility hai now government is responsible for whatever it does opposition pe baith ke aap tanqeed karo appreciate karo that is their own right mm. unka apna prerogative hota hai केवन पीटरसन जो है वो इमरान खान की किसी बात पे मैं समझता हूँ कि उसने नहीं कहा होगा कि इमरान कह रहे थो नो no. ये प्रोफेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन है जिसके हुँ. वो मेम्बर हैं और जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन है हुँ. उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही ब्लैक बॉल किया हुआ है इसीलिए पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर आ नहीं हुँ. रहा आपने कन्विंस करना है जिस तरह हुँ. अभी साबिर शाह ने बात की है हुँ. कि आपके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इनको तो चाहिए था जाके प्रोफेशनल प्लेयर्स क्रिकेटर्स एसोसिएशन से उनसे बात करे, उनको करें उनको कन्विंस करें कि भाई यहाँ भेजो हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है वन टू जब आप पीएसएल की बात करते हैं दिस इज एन ऑर्डनरी क्रिकेट मैच दिस इज नॉट एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ये दिस इज पाकिस्तान सुपर लीग दैट्स अबाउट एट उसके अंदर आपने बाहर के लोग लेके आए हुए और वो सेकेंड एंड थर्ड ईयर के हैं जो की बेसिकली uh, उन... इंडिया में होती है, है हाँ आएगे आएगे में इंडिया में डिफरेंट होती है, होती है होती इंडिया आईपीएल में, में करते है। हैं है। उनमें करंट प्लेयर्स खेलते हैं और उनमें टॉप आदमी खेलता है हमारे तो पास सर पास यहाँ पर भी नहीं। खेलेंगे ना ये आज आपने करना होता है तो आज आपके साथ खेल रहे होते आपका मार्केटिंग बड़ा वीक है ठीक है ना जिस आदमी ने ये पी एस एल बनाई सलमान सरवर भट्ट उसने पहले साल तो चला दिया और एक सक्सेस था सेकेंड ईयर आज जो इस साल जो हुआ है वो इन्होंने पूरा उसे प्लान मांगा hmm. उसे प्लान लेके उसको फारिग उसकी पूरी टीम को फारिग कर दिया दिस इज दिस इज हाउ वी वर्क इन दिस कंट्री ओके वन टू थर्डली आप क्या इंप्रेशन देंगे कि दिस विल बी द मोस्ट फोर्टिफाइड एंड प्रोटेक्टेड क्रिकेट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एवर और मैं ये यूनिक कह रहा नॉट रेयर यूनिक बड़े हादसा पहले भी हुए हैं hmm. लेकिन आपकी आर्मी की कॉन्टेजेंट होंगी आपकी मेरा ख्याल है पुलिस के आर्मी चीफ, आर्मी चीफ साहब आर्मी चीफ साहब की आज गुफ्तगु होती है टेलीफोनिक गुफ्तगु होती है शिबाज शरीफ साहब से और बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ साहब है वो कहते हैं भाई आप ये बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए हम आपको हर चीज देंगे यानी उन्होंने अपना सपोर्ट दिया उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसको सक्सेसफुल बनाने की हर पूरी कोशिश करेंगे बट सर द पॉइंट इज लेट्स कमिंग बैक टू इट पी का क्योंकि डिबेट अब आगे बहुत आप ले गए पी एस का असल में मकसद क्या था पी का मकसद यही था कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो तो सर वो हमें

वॉट मैसेज इट विल गिव ऑन द ब्रॉडर डिस्कस करना चाहते हैं इस शो में क्या मैसेज जाएगा जिस तरह से के हवाले L से जो मैसेज नॉट लिव इन पैराडाइज कोई मैसेज नहीं जाएगा बिकॉज इट इज नॉट क्रिकेट मतलब किसी कोनली वन एस्पेक्ट आपने क्या आपका मतलब है कि यहाँ ना कुछ हो हम कहते हैं बिल्कुल कुछ ना हो हम कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ठीक है हमने ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखना है आपके लोग डेली मारे जा रहे हैं कोई इधर से दस मर रहा है सर, एक से वेव आई ना, तो एक वेव आई आई ना एक बीच में थोड़ा देर के लिए तूफान थमा था बर, लेकिन अब दोबारा तूफान आया थम रहा है कोशिश की जा रही है इसको थमने की सपोर्ट करें फोर्सेस को भी सपोर्ट करें सब सपोर्ट कर रहे हैं कोई अगेंस्ट नहीं है बट मै वन थिंग यूरोप के अंदर एक चिड़ी का बच्चा भी मर जाता है ना हुँ, तो हुँ. पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है ठीक है को है वहां अटैक होता पूरा देख लिया कि पेरिस के अंदर बिल्कुल, क्या हुआ है ठीक है हमारे अंदर डेली हो रहा है दिस नेशन इज गोइंग थ्रू अ ट्रोमैटिक पीरियड सो आप बड़ा केयरफुल करे देखो क्या जल्दी है कि इस साल आपने पी करवा देना है क्या होगा उसका क्या होगा कुछ भी नहीं होगा आप अगले साल इसको प्रॉपरली प्लान करो यू हैव मोर टाइम जैसे मैंने पहले कहा कि सर है हो सकता है कि यही कि यही प्लान हो हो अगर गे? इस साल फाइनल यहां पर जाए और अगले साल पूरी कि कि पूरी जो लीग है वो पाकिस्तान में हो I'm नहीं, sorry, it means means ना में पहले मेकर्स एंड idea uh, 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 जो जिन्होंने थ्रो किया है PSL का वो क्या सोच रहे हैं लेकिन मे बी दिस कैन बी वन ऑप्शन आज भी कह रहे हैं शो के लिए मैं आ रही थी उससे दो चार घंटे पहले ट्वीट भी कर रहे हैं सेठी साहब कल उन्होंने एजाज हैदर साहब को एक एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू भी दिया अगर सेठी साहब कह रहे हैं बजिद हैं और वो शोर शॉर्ट कह रहे हैं कि चार चार खिलाड़ी हर टीम में इंटरनेशनल होंगे तो सर होंगे ना हम नहीं नहीं आप समझ नहीं वो जो बी कैडर के प्लेयर हैं हैं समझ गई आप ये चाहते कि सचिन तेंदुलकर आज खेलने, खेलने हाँ, के लिए सुनील गवास्कर आज खेलने के लिए कुमार संगकारा खेलने के लिए तो सर वो आहिस्ता कब आएंगे ऑलरेडी एटी फाइव परसेंट खिलाड़ी वो है मैंने अर्ज किया जो या रिटायर्ड है कप्तानों समेत या जो शंटेड आउट टाउक दूसरी बात की नियत में मैं इस वक्त शक नहीं कर सकता वो जो इल्जाम उनपे लोग लगा रहे हैं पता नहीं पैसे बना लिए क्या कर लिया मैच फिक्सर के साथ मिल गए फर्श कीजिए अगर सेठी साहब ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया है तो ही डिजर्व स्टेट ऑनर्स फर्श कीजिए कल को बात निकल आती मैच फिक्सिंग की फर्श कीजिए अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे वन टू वर्ड वाक्य हो गया फिर क्या होगा आईपीएल दूसरी मैच बात की बात निकली थी मैंने कहा फुटबॉल में भी आईपीएल होता है वहां भी दो टीमें बैन हुई थी या तो है ही पांच ये आगे बड़ा मसला है आगे ब्रिटिश प्रेस जब वो छापेगा नासर जमशेद के वो चीजें वो बड़ा मसला होगा और दूसरी चीज देखें ये है की ये टेस्ट केस है ये टेस्ट है। नजम साहब का अच्छा नहीं है, hmm. इसमें कोई डिनाई hmm. नहीं करता एक अच्छा लेकिन आप इसके देखने आपने लॉन्ग टर्म इंसिडेंट हो जाता है रेस्ट ऑफ द सिटी दैट विल स्टिल गो डाउन एज मैसेज सो वी हैव टू बी वर्किंग ऑनट बिकॉज आपका जो इंसर्जेंट है hmm. वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं so है एक लाइन दिया है हिदायत नामे जो शायक के लिए जारी किए हैं खैर सब तो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो जो मोबाइल फोन जो अलाउड नहीं है मुझे समझ नहीं आ रही चार पांच घंटे पहले जाना है उन्होंने मैथ सेटल डाउन करने के लिए एक शटल सर्विस उनको बस की लेकर के जाए बड़ी तकलीफ वहां दो सौ किलोमीटर पार्किंग है इसमें कोई शक नहीं है स्टेडियम आपको भरा मिलेगा आप मेरी इस बात की स्पिरिट नहीं देख रही हमारी तमाम दुआएं सिटी साहब के साथ बिल्कुल अगर खुदाना खास्ता को वाक्य हो जाता नंबर वन सेठी साहब भी डर रहे होंगे इस बात से क्यों नहीं डर रहे होंगे खुदा खुदाना खास्ता कल कोई को इल्जाम निकल आते हैं देखिए मैं आपको बात एक बताऊं सेठी साहब की जो अपनी टीम है मीडिया और कम्युनिकेशन की ने। ने। मुझसे इंतहा पुअर है पीसीबी की अपनी टीम ने। ने। वो मेरे ख्याल मुंह छुपाते फिर रहे हैं सारे अब सेठी साहब भी जो आप देते फिरेंगे प्रोग्रामों में आगे तो सेठी साहब बाकी काम क्या करेंगे मैंने सेठी साहब तो मैं बात कर रहा हूँ नंबर वन आदमी जो पीसीएल करा रहा है पहली बात

इंटर रिलेटेड है तो ये फैक्टर्स में इंटर रिलेटेड है कि अगर विद इन द कंट्री अगर इस तरह के बयानात आएंगे इस तरह की एलिगेशन आएंगे इस तरह की फिंगर पॉइंट बैठे हुए हैं चौथे दिन धमाका होता है बीस पच्चीस पंद्रह पचास बंदे मर जाते हैं साहब की बात को आप पोलिटिकली उस उस तरफ नहीं आप जा रही है टेररिज्म कैसे खत्म करना है सर मैं तो साहब जा रही हूँ कितने शोज उसमें करें हम सबको पता है कैसे खत्म उसी को करें बाकी सब कुछ उसी में ऑपरेशन जो फसाद का जो आगाज शादी खत्म करा दे ग्यारह बजे लाहौर में नेशनल इशू बनी है नवाज शरीफ को भी बता दें एक लाहौर में शादी हुई को हैं। कैसर अमीन साहब है सुन लीजिए मैं नाम लेता हूँ पता चलेगा ये उनके लोकल है को कैसर अमीन जी। उनकी शादी पे ये आई जी साहब भी गए थे मुश्ताक सुखेरा साहब अगले दिन गए उससे पहले अगले पर्चा करने गए थे पैराथान सिटी लाहौर में जिसमें साद रफीक साहब का भी नाम होता है साद रफीक साहब भी थे शादी में तो वहां उन्होंने कहा भाग जाओ भाई यहाँ पे तो प्रोग्राम हो रहे हैं सारी सारी रात प्रोग्राम है उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा नहीं। मेरे दस दोस्त शादी में गए बात समझ आ रही किसी ने नहीं पकड़ा किसी तो हैरान परेशान हूँ साबिर शाह साहब मतलब पाकिस्तान को एक बिल्कुल एक आइडियल कंट्री तस्वर करके आज के पूरे शो में तज्जिया दे रहे हैं मैंने पहले कहा गरीबों को मार पे पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा मैंने कभी कहा कि गरीबों को नहीं मारे लेकिन अगर वहीं पे कुछ अच्छा हो रहा है सर तो एप्रिशिएट तो अच्छा भी करना चाहिए पी का फाइनल पाकिस्तान में हो रहा अच्छा तो है तो अच्छा हो रहा है सर आपने चीजें के एंड पे कामयाब तरीके से हो ऐसी दस हजार मुझे बुराईया बता दी क्रिटिक्स ईसीओ की मेरी राय है वो मैंने क्रिटिक्स की जाए उनके मुंह बंद करा ले चले जी आज के शो का वक्त यहीं पे खत्म हो गया एनीवेज ऑल द वेरी बेस्ट मैं कहूंगी पी के सुपर पी के फाइनल के लिए भी एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल पाकिस्तान के कंडीशंस के लिए भी इस दुआ इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे